क्रीम कितनी डाली? क्रीम थोड़ी सी ले ली, एक चम्मच के बराबर। ठीक है, क्या लिया? क्रीम और एक्टिवेटर लिया। ये क्रीम क्रीम के फोटो की दिखा निकालो तो पकड़, ये वाला। ये क्रीम लिया हमने और वो एक चम्मच के बराबर। और किसी को ज्यादा चाहिए तो उस टाइम कितना लेना? चार पाँच? अरे ढाई, मैडम ने बता दिया, दो से ढाई लो। दो से ढाई, ज्यादा नहीं लेना। ढाई ढाई ज्यादा, तीन ज्यादा ही है। अभी देखना, मैं आपको बताऊंगी। मैंने हाथ से इसलिए क्या है कि आपको बताऊंगी कि स्किन को कैसे जलाती है। अपनी स्किन जलाना, ये जो बाल होते हैं वो हटते थोड़ी है, हट जाते, ब्राउन होता है ना, ज्यादा ब्राउन, ब्राउन होगा और टैनिंग को थोड़ा सा यहाँ तक। क्या करना है इनका चेहरा मैंने वॉश करवा के, ठीक है? मैं चेहरा नॉर्मल क्लींजर से, नहीं नहीं ब्लीच वगैरह यूज कर सकते हैं क्या? उससे पहले कर सकते हो, ब्लीच से पहले नहीं, ब्लीच के बाद नहीं, ब्लीच से पहले। पैक भी करने लग रहा है, लगाने का तरीका आईब्रो और आपको ट्रेनिंग लगाते हैं ना? ब्रो अच्छा, आईब्रो में ब्लैक की ब्राउन हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी ना। आईज तो आईज बन गया ना, कैसे लगेगा? बच्चों का नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं करते हैं, हम बच्चों में एज ग्रुप क्या है? हाँ, 18 से तो ऊपर है ना, डाल दूंगी तुम लोग सीख लेना, अभी तो सीखो, देखो बढ़िया ध्यान से। मैडम ने कितने तरीके अच्छे से बताए हैं, उसको इस तरह से देखते जाओ ध्यान से।
ये 15 मिनट टाइम नोट करो। टाइम नोट करो, ये 5 कितना बजा है अभी? 21 हो रही है। 2:21 देखिए सो रही है। उसके बाद कस्टमर की बताइए कितने नंबर पास कस्टमर है इसको सोचते छोटे से क्लीन शॉप पता नहीं फेशियल से सब करा देते ज्यादा तक क्लीन अप करा देते क्लीन अप में क्लीन अप नहीं आते वो सस्ता में पड़ता है उससे सही में क्लीन कम बोल सुनो ज्यादा बोलो कम क्या डाला सबसे पहले? ये तो सारी डब्बियाँ एक दूसरे पे इधर उधर हो गई है मैम। अच्छा कोई से भी कभी पहले बाद में डाल सकते हो? इसके ऊपर मैम लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे ये सेकंड नंबर पे ये लगा। अच्छा स्टेप फर्स्ट स्टेप 1 फिर स्टेप 2 गुड स्टेप अच्छे चाहिए कोई भी लगवाए मैम ये स्टेप 3 होना जरूरी है कि पहले जेल आएगा फिर क्लिंजर आएगा फिर स्क्रब आएगा फिर क्रीम आएगी है ना। पहले क्लिंजर स्टेप 2 में क्या आएगा? जेल जेल ये फेस स्क्रब फेस स्क्रब ये ढक्कन शुरू करो। अच्छा क्लिंजर मैसेज क्रीम क्या कर रही है डिलीशा फेस जेल सेकंड नंबर में फेस जेल आ गया मैम? नहीं फेस स्क्रब फर्स्ट नंबर में कोई भी ले क्लिंजर सेकंड नंबर स्क्रब थर्ड नंबर जेल जेल या क्रीम पे क्रीम फिफ्थ पे डिलीशा फिफ्थ में भी है क्या ये है क्या फिफ्थ में चल रहा है मिट्टी का ठीक इधर आ जा अरे वो थर्ड और फोर्थ मैम ने मिक्स करके लगाया था क्या नाम चार में मैंने आ गया इधर अरे तो वो है ऐसे लगा ले मैं मास्टर
दिखाओ आप दोनों आए क्लींजर जेल लगा दिया और पानी लगाना पहले क्लींजर लगाना है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है तो फिर आप चाहे क्लींजर ले सकते हो या जेल ले सकते हो कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है कंफ्यूज आपको नहीं होना है बस जेल और क्लींजर के बाद स्क्रब होता है उसके बाद क्रीम होती है ये ध्यान में रखना है तो किसी में चार आता है किसी में पांच जेल भी आते हैं किसी में जेल नहीं फ्रूट फेशियल में चार ही थे और इसमें पांच उसमें जेल नहीं था ना कोई ना नंबर तो लगा हुआ है किसी में सांप भी आते हैं उन पे नंबर लिखे हुए सीरम वगैरह सब आते हैं उसमें उन पे नंबर लिखे हुए होते हैं और आपको कंफ्यूज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप करना है बस ये ध्यान में रखना है बैक लास्ट में लगता है क्लींजर पहले इसका स्क्रब अब जैसे 7 है ठीक है तो स्क्रब कब करोगे क्लींजर बीच में वो तीन इधर और तीन पैक सबसे लास्ट में ब्लीच सबसे पहले ये ध्यान में रखो बाकी कोई कंफ्यूज नहीं होना है जितना कंफ्यूज हो गए उतना दिमाग में और ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा हो आप चेहरा भी वॉश करो ना घर में इसी तरह से करना जैसे ये कर रही है हाथों से तो झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं नहीं तो जैसे तैसे करते हैं ना तो झुर्रियाँ उस तरह से पड़ जाती हैं वापस इसी रूम में वापस से ये वाला स्टेप ये पहन के अब खुद का कर सको खुद का पैसे कमा सको घर बैठे कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको कोरोना काल में मेरा क्लास लगा था मैं
काम है। उस समय मैंने सिखाया था इस लड़की को, आज ये लड़की कर रही है। तब मेरे को इंस्टा में मतलब मेरे को मैसेज भेजा कि मैम मेरा इंस्टा देखो आप। फ्री फ्री वाले में ही था इनका पिंक वाला। गुड मैम, गुड, बहुत बढ़िया। कौन नई लड़की मैम? तो मुझे वहां से होता है कि मेरी मेरी बच्चियां कुछ कर रही है, खुशी तभी होती है ना। वो उस टाइम फोन नहीं है, घर में कर रही है, घर में कर रही है, घर बैठे पैसे कमा सकते हो आप। घर बैठे भी अभी पार्लर खोला नहीं है। पार्लर पार्लर चेयर चाहिए थी मैम, मेरे को चेयर चाहिए। मैंने कहा अभी मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैम कैसे क्या करूँ, क्योंकि कस्टमर आता है तो उनकी गर्दन दर्द होने लग जाती है, मेरे को भी प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा ठीक है मेरे घर जा, चेयर उठा के लेके आ। इतना हेल्प तो मैं कर ही सकती हूँ। बिल्कुल सही है, आपके घर पे सब तरह की चेयर है। अब मैडम देखो मेहनत करती हैं, आप लोग भी कर सकते हो, नौकरी जाना और करना जरूरी नहीं है। अभी मैं मेरा पार्लर को मैंने ऑफ कर रखा है, तो अभी वो चेयर यूज ले सकती है ना, उसका तो काम निकल रहा है। बिल्कुल सही है, जब उसका वो हो जाएगा क्या। हाँ, इतने मेरे पास में चेयर के पैसे हो गए हैं। कितने टाइम करने पड़ते, कितने बार करने पड़ते? 3 से 4 बार। अच्छा, स्टेप 3-4 टाइम्स। उस दिन आपके पास कॉल आया, आपने कहा मेरी स्टूडेंट है, वही है। देखो भाई, गर्व होता है एक टीचर को, आप लोग भी कुछ अच्छा करोगे ना तो इनको भी गर्व होगा, हमें भी होगा, है ना। जब अपने बच्चे अच्छा करते हैं तो बहुत गर्व होता है कि चलो हमारे बच्चे कुछ करके घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। नहीं तो छोटे छोटे पैसे के लिए बहुत दूर भागना पड़ता है। अभी कम से कम शादी ब्याह का सीजन है तो अच्छा पैसा मिल जाता है, और आपके लिए तो बहुत बेहतर है ये, इसलिए आप इसे कर सकते हैं। मेकअप बाय दिव्यांशी, और बहुत अच्छी थी, मेहनती थी, जो बताती थी ना मतलब ऐसे फ्री नहीं बैठती थी, लगी रहती थी। जब भी तो मैडम ऊंचाई पर जाने के लिए लगे रहना पड़ता है, लगी रहती थी, लगे रहो, लगे रहोगे ना तो ऊंचाई पर जाओगे, अन्यथा स्विच लिया भूल गए कोई फायदा नहीं। इसी क्रीम पर दूसरा क्रीम लगाएंगे। अब जेल लगाओगे मैडम? स्क्रब नहीं, सेकंड नंबर पर जेल। पहले जेल हो गया, अब सेकंड नंबर पर क्या लगाएंगे? स्क्रब क्लींजर। जेल पहले लगाया, पहले जेल लगाया चौथे। मैंने क्या बोला, कंफ्यूज नहीं होना, जिसने पहले लगा दिया कस्टमर को क्या पता कि आपने पहले क्या लगाया। पर वो क्रीम के साथ मिक्स किया था ना उस टाइम की, कस्टमर को नहीं पता है ना कि पहले क्या लगाना है क्या नहीं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने अब भी बताया था, बस करने का तरीका आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये किया, हाथों में पानी लो, इनका देखो रेडीमेड सवाल है, सवाल का जवाब किसको स्टेप आते हैं या नहीं ये देखना चाहते हैं। मैडम चाहती थी कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निकले ना। अब आप लोग ही बताओगे क्या कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, अगर किसी ने घर पे प्रैक्टिस की होगी तो। इनका तो सुबह फोन आया मेरे पास में कि मेरे फेशियल करना थी, घर पे आ जाएगी क्या। मैंने कहा मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप ऐसे करो कि आपका भी आधा रास्ता पड़ेगा, मेरा भी आधा रास्ता पड़ेगा, अभी सेंटर इसके ऊपर लिखे मैम का आईब्रो वाला कस्टमर लेके आना। और लास्ट के 5 दिन मैम ने एक दिन बोल दिया ना, तू बोल दे सर अभी मैं आईब्रो लेने बैठ जाऊंगी ना आपको इतना बोरिंग लगेगा, आप खुद बोलोगे कि नहीं मैडम आईब्रो आपको इतना बोरिंग लगेगा, क्योंकि ये जब तक दर्द नहीं होंगे ना जब तक आपको आईब्रो नहीं आएगा। रोज प्रैक्टिस, घर पे प्रैक्टिस, ये गलत है, गलत है, ये गलत है, ये ढेर यहाँ से ले। चलता
लूज ही रखना, स्क्रब है ना, स्क्रब थोड़ी ना क्लींजर है। अच्छा, ऐसे क्लींजर घर में भी तो यूज करते हैं ना मैम? हमें नहीं पता, हमारी बेटी बहुत शौकीन है इसकी और घर में बहुत सारा चीज़ रहता है पर मैं जानती नहीं कि इसका यूज कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है। मैं तो केवल पानी महीने या दो महीने में एक आध बार साबुन, कोई बात नहीं, और कभी टोमेटो या पका हुआ केला कभी घर में है और मन किया टाइम मिला तो थोड़ा सा पका हुआ पपीता, ऐसे गलने लगते हैं ना उसको लगा लो। स्क्रब मैंने बच्चों को इसलिए नहीं दिया, आप बेटा बस स्क्रब लगा, कोई सॉफ्ट कैसे क्या करेंगे, है ना। तो इसमें मैम क्या चाहिए, हार्ड चाहिए सॉफ्ट चाहिए? सॉफ्ट इसमें ना हार्ड चाहिए ना मीडियम, ज्यादा सॉफ्ट करोगे तो कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना। ज्यादा हार्ड अब मैं कहाँ नहीं कर रही हूँ, गर्दन पे और आईज पे, फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड मैं डायरेक्ट फोर्थ कर रही हूँ। अरे ये स्क्रब है ना, ये भी हो तो मैडम ये चेहरे पर झाइयाँ लग जाती है क्या, ये फेशियल से ठीक हो जाता है? कई लोगों को होते हैं काले काले और ब्राउन, मेरे मेरे काले काले ना मैं वैसे वो क्या फेस बैक है जो अंदर जो बाल से निकले वो तो चीज का चुका नहीं होता उस टाइम, वो कैसे होगा? जैसे अब किसकी कमी से होती है हार्मोन्स, किस कमी से या ब्लैकनेस देगा मैम, ये कैसे मिटेंगे? एलोवेरा नहीं मिट रहा है, मेरे ना माता जी निकले ना एलोवेरा जेल मैम एक एक एग्जैक्ट जैसे एलोवेरा डायरेक्ट लगाओ तो क्या गड़बड़ करता है? एलोवेरा जेल ऐसे नेचुरल लगा लो मैम, शाम को लगाना कितने टाइम तक रखना हो, रात को लगा के सुबह धो लो मैम, ब्लैक हेड्स कैसे? एलोवेरा जेल मुंह पे धोना, मैं आंखों पे नहीं कर रही, जेल लगा आंखों वाला नहीं किया ना, क्योंकि आंखों के ऊपर भी सॉफ्ट स्किन होती है। ये क्रीम लगा रही बेटा, इसका
पीछे से आओ। मैम एक बार भी नहीं किया है ये ड्राइव। मैम दोनों तुम पीछे रहोगे? रहो, चलो आओ। आईब्रो बढ़ना है ना, किया छोटा फिंगर के पास हुआ। फिर अंगूठी कहाँ पे मेरे? यहाँ से नीचे ऊपर उठाओ, यहाँ से नीचे इसको ऊपर उठाओ, यहाँ से नीचे इसको ऊपर उठाओ, हुआ ये? फिर ये चिक बॉन को राउंड करते हुए इसको ऊपर खींचो, चिक बॉन को राउंड करते हुए इसको ऊपर खींचो, चिक बॉन को राउंड करते हुए इसको खींचो, ठीक है? फिर ऐसे ही चिक बॉन को राउंड करते हुए ऊपर खींचो, चिक बॉन को राउंड करते हुए ऊपर, चिक बॉन को राउंड करते हुए ऊपर। कंप्लीट? यस। किसने बोला सूखने तक रखना है? कितने मिनट छोड़ना है मैम इसको? रुक जा। चलो भाई, ये आपका कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप देखते रहो, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं, बाय।